कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन। ढोल नगाड़े के साथ दर्जन पद के बाहर बधाई देने जुटे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। बुके देने की मची होड़। सोनिया गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने सालगिरह की दी बधाई। लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की। संघीय कार्य मंत्री वेंकैया ने भी दी मुबारकबाद। शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें जन्मदिन की दी बधाई। कहा, आज बेहद खुश नजर आ रही सोनिया। हेरल्ड मुद्दे को बताया झूठ का पुलंदा। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा, मन की बात की तर्ज पर चलाना चाहते हैं सदन। विपक्ष कर रहे नजरअंदाज। सोनिया को बधाई देने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया नेशनल हेरल्ड केस का मुद्दा। कहा, गांधी परिवार का है गौरवपूर्ण इतिहास। कभी किसी से नहीं डरा ये परिवार। अरब एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पाकिस्तान पहुंची सुषमा स्वराज ने पीएम नवाज शरीफ से की मुलाकात। शाम 4:30 बजे होगी द्विपक्षीय वार्ता। अरब एशिया कॉन्फ्रेंस में पीएम नवाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का भी दुश्मन। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है पाकिस्तान। सुषमा स्वराज ने अरब एशिया कॉन्फ्रेंस को बताया बेहद अहम। साथ ही बोली, पाकिस्तान से द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर होगा जोर। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की हो रही नीलामी। लीज पर ली दाऊद की संपत्ति पर मुंबई में बना है दिल्ली जायका नाम का रेस्टोरेंट। नीलाम होगी संपत्ति। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद की संपत्तियों को सीबीआई ने किया था सीज। दाऊद के फ्लैट समेत कई दूसरी संपत्तियां हो रही हैं नीलाम। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी बोली में शामिल। दाऊद की कार पर 3,20,000 की लगाई बोली। कहा, ठीक हुई तो एम्बुलेंस बनाएंगे, नहीं तो जला देंगे। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान के लिए फैसले का दिन। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची सलमान की बहन अलविदा। सेशंस कोर्ट ने सलमान को सुनाई है 5 साल की सजा। सजा के खिलाफ सलमान ने हाई कोर्ट में की है अपील। सलमान खान के बॉडीगार्ड ने प्रशंसक को पीटा। मुंबई में बैंडस्टैंड पर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सेल्फी लेने पर पिटाई। सलमान के गार्ड ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सनाउल्ला नाम के शख्स को मारा था थप्पड़। पीड़ित ने नहीं दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह गिरफ्तार। सीबीआई ने की गिरफ्तारी। संजय प्रताप सिंह के निजी सचिव को भी सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 2,20,000 रुपए घूस लेने का आरोप। दिल्ली में बीजेडी ने उठाया पोल्लावरम परियोजना का मुद्दा। परियोजना के 600 गांव के डूबने की जताई आशंका। बांध की ऊंचाई कम करने की मांग। दिल्ली में रूसी राजनयिक की कार से सड़क हादसा। बाइक सवार को मारी टक्कर, दोनों हुए जख्मी। राजनयिक ने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ा। रूसी राजनयिक पर पुलिस कांस्टेबल नेक सिंह की पिटाई का आरोप। नेक सिंह ने दिखाई अपनी चोट। केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का इनकार। अभी प्री मेच्योर है प्रस्ताव। केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन गाड़ियों का बदला प्लान। दिन के बजाय तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां। रविवार को इवन और ऑड नंबर दोनों तरह की चलेंगी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान। कहा, अयोध्या पर दावा छोड़े मुसलमान। काशी ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को भी खाली कराने की मांग। विनय कटियार को शिवसेना की नसीहत। कहा, केंद्र में है सरकार, पहले अयोध्या में बनवाए राम मंदिर, फिर दूसरे मंदिरों की करें बात। आरएसएस को बैन करने को लेकर आजम खान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने किया पलटवार। कहा, यूपी सरकार आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हुए बैन करके दिखाए। सुषमा के पाकिस्तान दौरे पर साध्वी प्राची का बयान। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दौरे से नहीं होगा कोई फायदा। बिहार विधानसभा में टूटता दिखा एनडीए का एकता। नीतीश के भाषण के विरोध में बीजेपी का वॉकआउट। मांझी और आरएलएसपी की पार्टी रही सदन में मौजूद। यूपी के बलिया में एक निजी समारोह में पहुंचे बीजेपी नेता वरुण गांधी। हुए नाराज, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात सुनने पर का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान। कहा, मैं प्रधानमंत्री बना तो ईमानदार बनने के लिए लोगों को मजबूर कर दूंगा। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूसे। कालानौर मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई थी बैठक। मध्यप्रदेश खंडवा में कारोबारी से दिन दहाड़े 11 लाख रुपए की लूट। स्कूटर को टक्कर मार रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुए बाइक सवार। येरवडा जेल में कैदियों की मेहनत से इस साल 2014-15 में जमकर हुई कमाई। जेल प्रबंधन को 3,75,00,000 की हुई आमदनी। त्रिपुरा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 886 मतदाताओं की किस्मत का फैसला कर रहे हैं 5 लाख से ज्यादा मतदाता। मानव तस्करी के जरिए पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली लाई गई लड़की से दरिंदगी। 6 महीने से रोज हो रही थी गैंगरेप का शिकार। एड्स की गिरफ्त में आई पीड़िता। दरिंदगी का शिकार पीड़िता दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती। शक्ति वाहिनी एनजीओ के मुताबिक शुरुआत में सूचना पर भी पुलिस ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में इन्फिनिटी टावर की 5वीं मंजिल पर लगी आग। आईटी हब के तौर पर इमारत की पहचान।
बोधगया में घने कोहरे के बीच महाबोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति पूजा, 10,000 श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, मुठभेड़ में 5 जवान घायल। ठाणे के दीवा गांव में रहने वालों की डंपिंग ग्राउंड से बड़ी मुसीबत, कचरे में आग लगने पर धुएं ने किया जीना मोहाल, प्रभावित इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। कचरे से उठते धुएं ने रोका ट्रैफिक, गाड़ी धुंध के चलते सड़क पर लगा जाम, मास्क पहनकर पहुंचे नगर निगम अधिकारी, करीब 5 घंटे तक रही अफरा तफरी। बाढ़ की आपदा से जूझ रहे चेन्नई में आज भी मुसीबत की बारिश, बढ़ सकती है परेशानी। भरतपुर के रूपवास इलाके में नहर में मिला एक शख्स का शव, अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त। 12 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे का वाराणसी दौरा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, नेवी के गोताखोरों की टीम भी की जाएगी तैनात। आजमगढ़ में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, शराब पीकर नाले में गिरने के बाद सिर में लगी थी चोट। हरदोई पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को एसएसपी ने अपने साथ बैठाकर पिलाई चाय, दोनों कांस्टेबल्स ने पंचायत चुनाव में एक बूथ पर रोका था बवाल। यूपी के बागपत में पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 10 साल से बिना नहाए है एक शख्स, पिछले 10 सालों से बामनौली गांव में हार रहा है उसका उम्मीदवार। यूपी के पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए बढ़ी चिकन की मांग, चिकन के दाम में भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। दिल्ली में पूर्व विधायक के मर्डर के मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या, विपिन नाम के गवाह को मारी गई 5 गोलियां। करीब लड़कियों को अगवा कर उनकी जबरन शादी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग समेत 2 लड़कियों को छुड़ाया गया। दिल्ली में एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर आई सामने, कार सवार ने बाइक चालक को कुचला, करीब 5 महीने पुराने हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। बाहरी दिल्ली के नरेला में एक युवक की झाड़ियों में मिली लाश, बीती रात पुलिस एक मामले में पूछताछ ले थाने लेकर गई थी। गाजियाबाद में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में रेस्टोरेंट मालिक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरोहा में जमीन बेचकर मिलने वाले कमीशन के लालच में 2 युवकों ने किया था अपने दोस्त का कत्ल, राज छिपाने के लिए शव को जंगल में फेंका। लखनऊ की इंटेग्रल यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष, एक छात्र को लगी गोली। यूपी के हाथरस में दूसरी शादी कर रहे एक शख्स को पहली पत्नी ने पहुंचाया थाने में, पहुंची शादी के मंडप में दुल्हन पक्ष ने कई बारातियों को बनाया बंधक, हर जाने की मांग। हाथरस के सासनी ब्लॉक में पुलिस ने प्रधान पद के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को हिरासत में लिया, अधिकारियों ने नहीं बताई वजह। इलाहाबाद के जूसी इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर धार धार हथियार से मां बेटी का कत्ल। फरुखाबाद में चुनावी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोग घायल, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। संतकबीर नगर में त्रिपाठी मार्केट में अचानक एक कार में लगी आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर खाक। बांदा में शिवरामपुर आउट पर अचानक पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के कारण झांसी इलाहाबाद रूट बाधित। नोएडा में प्रशासन की लापरवाही, खुले नाले में गिरे मजदूर को निकालने के दौरान गिरी जर्जर दीवार, 1 की मौत, 2 की हालत नाजुक। अजमेर में गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, महिला प्रिंसिपल से नाराज, छात्राओं ने तालाबंदी कर सड़क पर लगाया जाम। भरतपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बिजली कर्मचारी, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जोधपुर जेल में बंद आसाराम का बयान, जेल में चलती हैं लाठियां और चाकू। धौलपुर के बोधपुरा गांव में हॉरर किलिंग का मामला, खेत में मिला प्रेमी जोड़े का शव, पुलिस ने लड़की के पिता को किया गिरफ्तार। अलवर में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरों का गैंग, खैरथल में 2 बार लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। राजस्थान के पाली में स्वच्छता अभियान की खुली पोल, अस्पतालों के बाहर लगा है गंदगी का अंबार। रणथंभौर से उदयपुर चिड़ियाघर लाए गए बाघ, उस्ताद की तबीयत ठीक नहीं, प्रदेश के वन मंत्री राजकुमार रिणवा भी उस्ताद का हाल जानने पहुंचे चिड़ियाघर। गुजरात के वापी में उत्तर भारतीय युवक की मौत के बाद हंगामा, पुलिस गाड़ी को जलाया गया। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले लातभू से, कालानौर मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई थी बैठक। लुधियाना में महिला की किडनैपिंग के बाद हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने कई गाड़ियां की जब्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पुलिस को एक वैन की चेकिंग के दौरान मिले 200 जिंदा डेटोनेटर्स, माओवादियों को किया जाना था सप्लाई। राजकोट के आईएमजी हॉस्टल में दोपहर के खाने में छिपकली मिलने पर छात्रों का हंगामा, रसोई की जमकर की गई पिटाई। गुजरात में पाकिस्तानी दुल्हन मारिया ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए लगाई कोर्ट से गुहार, 1 साल पहले गोधरा के युवक से हुई थी शादी, गर्भवती मारिया का वीजा एप्लीकेशन रद्द होने से परिवार परेशान। रुड़की के सरकारी अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों का हंगामा, मरीजों को छोड़ कार में बैठकर फरार हुए डॉक्टर।
देहरादून पुलिस ने सुलझाई ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी। कार ड्राइवर ने करोड़ों की संपत्ति के लालच में किया था मर्डर। मृतक की भाभी से थे ड्राइवर के नाजायज रिश्ते। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने चाय बागान कर्मियों के साथ की बैठक। काफी समय से धरने पर हैं चाय बागान कर्मी। सिलीगुड़ी में बंद पड़े 3 चाय बागान मजदूरों के लिए कांग्रेस ने भेजी मदद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कंबल और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई। अगले कुछ महीने में पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो सकते हैं संजय दत्त। 5 साल की मिली थी सजा। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में लगाई गई सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। महिला कॉमन रूम में लगाई गई मशीन। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर आज हो सकता है कोई ऐलान। नवाज शरीफ और सरताज अजीज के साथ सुषमा स्वराज की मुलाकात पर दोनों बोर्ड की नजर। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर। कहा मैं ज्योतिषी नहीं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भारत पाक सीरीज पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष ये पाकिस्तान की सीरीज है। वेन्यू टिकटिंग और ब्रॉडकास्टर के बारे में पाकिस्तान को है तय करने का हक। पुणे और राजकोट होंगी आईपीएल की दो नई टीमें। पुणे की टीम संजीव गोयनका ने करीब 18 करोड़ में और राजकोट को इंटेक्स ने रिवर्स बिडिंग में 10 करोड़ में खरीदा। संन्यास तोड़कर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौट सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्राम स्मिथ। कहा मन में उठ रहा है विचार। बांग्लादेश में दो भारतीयों पर हमले की खबर है। बांग्लादेश के चिटगांव में 2 सिख युवक अमरेंद्र सिंह और जोगेंद्र सिंह पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। ऐसा बयान न दिया जाए जिससे अमेरिका के इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ने का संकेत मिले। स्पैनिश पुलिस ने आईएसआईएस के लिए भर्ती के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल। इराक की टर्की को चेतावनी। 48 घंटे के अंदर अपने सशस्त्र सैनिकों को वापस बुलाने की समय सीमा का करें पालन। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई हिस्सों में डेस्मिन तूफान का कहर। 10,000 से ज्यादा लोगों को होना था पड़ा विस्थापित।